के साथ आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप पार्टी के लिए काम करें, और खुदा के फजल से वो वक्त दूर नहीं, आपकी मेहनत से, आपकी दुआओं से एक बार फिर चौथी बार मेरे और आपके महबूब लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो लीडर है जो पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल सकता है और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर फैसलाबाद डिवीजन नुसरत फतेह अली ऑडिटोरियम में नोटिफिकेशन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कायम करदा खसूसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की फैसलाबाद आई। खसूसी तौर पर साबिक MNA चौधरी तलाल, चीफ कोऑर्डिनेटर पंजाब राहिला खादम हसैन, कमेटी मेम्बरान बाबा फिलबोस, कामरान भट्टी MP, टिकट होल्डर फोकल पर्सन पंजाब अहमद सैयद, साबिक वजीर आलम अगस्टीन, डॉक्टर रुबीना, डिविजनल सदर हाजी मोहम्मद अकरम ने शिरकत की, जबकि डिस्ट्रिक्ट डोबा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला कोऑर्डिनेटर जमील थॉमस की क्यादत में कमालिया PP 122 से कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अरशद तबस्सम का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तहसील कमालिया से अरशद तबस्सम की क्यादत में डिप्टी कोऑर्डिनेटर राबिया अमजद, सर्कल 3 से कोऑर्डिनेटर मुकद्दस शमाउन, सर्कल 1 से कोऑर्डिनेटर नईम मसीमंद, सर्कल 2 से कोऑर्डिनेटर सरैया शौकत भट्टी, UC 57 से कोऑर्डिनेटर आबदा जोजा नदीम, UC 59 से कोऑर्डिनेटर नज़ीर मसीह, UC 66 से कोऑर्डिनेटर बूटा मसीह और साइमा शहजाद को मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन कमालिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी करवाने पर MPA टिकट होल्डर कामरान भट्टी साहब, जिला कोऑर्डिनेटर जमील थॉमस हांस और डिस्ट्रिक्ट सदर रशीद जलाल का कोऑर्डिनेटर PP 122 कमालिया अरशद तबस्सम मेमरान ने शुक्रिया अदा किया। लेकिन गुज़श्ता कई महीनों से माइनॉरिटी की कमेटी की मीटिंग जारी थी, जिसके अंदर ये बात की जा रही थी कि तमाम वो माइनॉरिटी के नए लोग, हमारे यूथ के बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उन तक मियां नवाज शरीफ का उस रास्ते में हम नहीं पहुंच पा रहा, वो इस तरह पार्टी के उदेदार नहीं बन पा रहे, तो हम एक इस तरह से कमेटी ऑर्गेनाइज करें जो पसंद और नापसंद से बालातर होकर तमाम माइनॉरिटी के लोगों को ऐसा मौका फराहम करे कि तमाम लोग मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार बनने पे एजाज भी महसूस करें।